बॉलीवुड में मेल डोमिनेशन शुरू से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। अब तक इस मुद्दे पर कई एक्ट्रेसेस सवाल उठा चुकी हैं कि मेल स्टार्स को एक्ट्रेसेस से ज्यादा फीस मिलती है, जिस पर कई बार विरोध देखा गया है। वहीं ये भी दिखाई देता है कि फिल्म हिट होने पर सारा क्रेडिट मेल एक्टर को ही मिलता है, जिससे फिल्म की हीरोइन तो बस मानो सजावट का सामान हो। वहीं अब बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने एक और बहस छेड़ दी है। कृति सेनन ने एक ऐसा बयान दिया है जो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री की छोटी सोच सामने ले आया है। भले ही आज कहने के लिए इंडस्ट्री में महिलाओं को ध्यान में रखकर फिल्में बनाई जाती है, मगर आज के दौर में भी इन विमेन सेंट्रिक फिल्मों के आगे कई चुनौतियां खड़ी हैं। महिलाओं पर बनने वाली फिल्मों को लेकर कृति का मानना है कि ऐसी फिल्में अक्सर कम बजट में बनाई जाती है। महिला केंद्रित फिल्मों को बजट के मामले में कम तवज्जो दी जाती है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कृति ने कहा, ईमानदारी से कहूँ तो पहले भी कई बहुत मजबूत कैरेक्टर थे जो महिलाओं के लिए लिखे गए थे, फिर वो चाहे मदर इंडिया हो या चालबाज, महिलाओं के लिए बहुत सारे अद्भुत मजबूत और अच्छे कैरेक्टर्स लिखे जा रहे थे, लेकिन अब इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। फिल्म इंडस्ट्री में लोग अभी भी बड़े रिस्क लेने और महिलाओं के लिए लीड रोल प्रोजेक्ट्स पर काम करने से हिचकिचाते हैं। हालांकि वो धीरे धीरे आगे बढ़ने में यकीन करती हैं और उन्हें उम्मीद है कि चीजें जल्द ही सुधर जाएंगी। कृति ने आगे आलिया भट्ट की बिग बजट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि ये शायद पहली फिल्म है जो फीमेल सेंट्रिक है और इस पैमाने पर बनाई गई है। ऐसा होना चाहिए, कभी कभी हम कम बजट में महिला नायकों के इर्द गिर्द फिल्में बना लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये उतना बिजनेस नहीं करने वाली है, और फिर ये फिल्में उतना काम नहीं करती क्योंकि इन्हें छोटे पैमाने पर बनाया जाता है। वो कहती हैं, दृढ़ विश्वास और जोखिम एक ऐसी चीज है जिसे मैं देखना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि एक आदर्श बन जाएगा। वह हमारे आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं शिखा जैन, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।